भाई, फिर तो आपकी खिदमत में अपने चैनल से हाजिर हैं। इस वक्त जो है वो रात के शाम के बल्कि जो है वो 6 बज रहे हैं और मैं जो है आशा के साथ इस बार पार्क में वॉक करने जा रहा हूँ अपनी बेटी के साथ। और एक्चुअली जो है आज मम्मा की तबीयत ख़राब है आशा की, तो फिर उसने कही कि आप खुद चले जाएँ, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग खुद जाके एक लंबा चक्कर लगा कर आएँ, वॉक कर आएँ। और कुछ हम लोगों का शॉपिंग भी करनी है शूज़ वगैरह की, तो स्पोर्ट कॉर्नर में जो है काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है। हम लोग पिछले एक महीने से देख रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है वहाँ जाने का, तो कभी भी वहाँ जाने की इरादा बनता है तो कोई ना कोई दूसरा काम नहीं कराता है। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि आज मेरे को टाइम है तो मैं आशा के साथ जाके वहाँ अपने लिए और आशा के लिए वो शूज़ लूँ। वाइफ तो मेरी आज आ नहीं रही है लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जब वो देखेंगी शूज़ वगैरह को तो वो ज़रूर मुझे बोलेंगे कि मुझे भी दिलाओ, तो उसके लिए मैंने बजट जो है वो अलग से रख दिया है। लेकिन मैं उसको बताऊँगा नहीं, ये सरप्राइज़ रहेगा, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा जब हम लोग उसके लिए शॉपिंग करने जाएँगे और साउथ के लिए शॉपिंग करने जाएँगे, ठीक है ना। लेकिन मैं उसको बताऊँगा नहीं, मैंने उसके लिए जो है अलग से जो है वो पैसे रखे हुए हैं, उसके बजट रखे हुए हैं। प्रैंक करेंगे थोड़ा सा हम भी। बाकी आप ये देखें मैंने साइड में बिल्ली के लिए जो है अपनी ये संभाल की हड्डियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, जिस वक्त जो है आपके घर में जो है गोश्त वगैरह ना पका हो या आप लोग बाहर से खाएं, आप शाम को टाइम अक्सर ज़्यादातर 90% लोग यहाँ बाहर ही खाते हैं, तो बिल्ली गेट के ऊपर आके म्याऊं 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 दरवाजे के ऊपर जो है ना, तो बंदे का दिल होता है कि यार यानी आप बाहर से खाए घर में बना देते तो बिल्ली भी कुछ खा लेती। तो हम स्पेशली भी जो है ना बिल्ली के लिए फ्रूट खरीद के रख, जब हम लोग खुद खाने जाते थे तो स्पेशली जो है वो सुपरमार्केट से बिल्ली के लिए भी कुछ खरीद के लेकर आते थे कि बिल्ली बेचारे भूखी होंगी घर के अंदर तो उसको क्या डालेंगे। तो आज जो है आज हमने गोश्त वगैरह बनाया था काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें से काफ़ी गोश्त भी छिछड़े भी और हड्डियाँ वो सब इतनी बची थी वो मैंने रखा। सुबह से बिल्ली नहीं आई घर के अंदर, सुबह से बिल्ली को ढूंढ रही है, बिल्ली आके खाएंगी लेकिन सुबह से बिल्ली। अच्छा, उसके अलावा भी 2-3 बिल्लियाँ और हैं, आवारा बिल्लियाँ जो हमारे घर में आती हैं खाने के लिए, एक बिल्ली भी दिखी नहीं सुबह से। यानी खाना बिल्कुल गोश्त वैसे के वैसे पड़ा, क्योंकि मैंने करीब जाके देखा, मुझे लगा शायद बिल्लियों ने खा लिया है और हड्डियाँ बाकी हैं, लेकिन नहीं, गोश्त वैसे का वैसा पूरा पड़ा हुआ है सारा। जब नहीं होता तो म्याऊं म्याऊं होता है और जब होता है तो कोई भी नहीं होता खाने के लिए। ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, बिल्ली में भी है। चलो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। वॉक करने के बाद इंशाल्लाह मैं स्पोर्ट करना जाऊँगा और फिर वहाँ से जब शॉपिंग करके आऊँगा तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा बाकी की। चलें मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड, हम लोग फिर इस पार्क पर आ गए थे और इतना प्यारा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी और ये स्पायर टॉर्च इतनी प्यारी लग रही थी मौसम में कि मैंने बोला इसकी वीडियो बनाए। वैसे तो हम लोगों ने इसकी बहुत दफ़ा वीडियो बनाई है लेकिन ये हर दफ़ा जो है ना पहले से बहुत खूबसूरत दिखती है। तो ऊपर से विलाजो की लाइट्स इतनी प्यारी लग रही थी कि फिर मैंने खड़ा होकर जो है मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाई जाए। तो फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी वीडियो बनाने के बाद जो है मैं काफ़ी देर खड़ा हो पाया, मैं इसकी वीडियो बनाई तो आशा बोर हो रही थी। फिर हम लोगों ने वॉक करने शुरू की, काफ़ी लंबी वॉक की, उसके बाद जो है आशा थक गई थी। फिर हम लोग बेंच पर बैठ गए थोड़ी देर, उसने कहा कि आज पहला दिन रेडी, तो फिर मैं जो है बाकी की वॉक हम कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बीच में से जो है ना हाफ ग्राउंड में से चलते चलते आ रहे थे, तब भी आशा थक गई थी क्योंकि आशा ने काफ़ी दिन के बाद जो है इतनी लंबी वॉक की, तो मैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में था। लेकिन फिर मैंने बच्ची पे रहम खाने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए। गाड़ी के पास जब हम लोग आए तो वहाँ पे आशा की एक फ्रेंड मिल गई थी, तो आशा ने थोड़ी देर उससे गपशप मारने शुरू कर दी, तो मैं गाड़ी गर्म कर रहा था। उसके बाद वहाँ से निकले और हम लोग स्पोर्ट कॉर्नर चले गए। स्पोर्ट कॉर्नर जाने के बाद जो है हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे अंदर घूमते रहे, अलग अलग शूज़ चेक करते रहे। फिर आशा ने अपने लिए शूज़ सेलेक्ट किया और मैंने जो है अपने लिए शूज़ सेलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ से निकल पड़े। अस्सलाम फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो है वो स्पोर्ट कॉर्नर गए थे, मैं और आशा, और फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है एडिडास वगैरह के शूज़ खरीदे हैं। लेकिन ये बात अभी हमारी वाइफ को नहीं पता और मुझे इस बात का यकीन है कि जब हम घर जाएंगे और ये अपने बैग जो हैं वो खोल के दिखाएंगे, मैंने एडिडास के शूज़ लिए हैं और आशा ने जो है वो नाइकी के शूज़ लिए हैं, और जब हम जाके वो दिखाएंगे खोल के तो फिर मेरी वाइफ का पहला सवाल ये होगा कि मुझे भी चाहिए, जैसे कि हर वाइफ का सवाल होता है।
ये हम मर्दों को खुश नहीं दे सकती। इट्स ओके, फिर दिलाना पड़ेगा। तो पहले से ही मैंने जो है अपना बजट रखा हुआ था, मुझे मालूम था कि वो वाइफ, पहले मैंने सोचा कि वाइफ को गिफ्ट दूँ अपने जगह शूज, स्पोर्ट शूज, लेकिन फिर मैंने बोला कि अपना साइज़ वगैरह छोटा बड़ा हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं है, या जो मैंने चीज़ खरीदी वो पसंद ना आए तो फिर, और वो इसलिए रख ले कि चलो मेरे शोर ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं वो नहीं चाहता। गिफ्ट ऐसा हो कि चलो कि अगले बंदे को पसंद हो, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि मैं जो है उसको अपने साथ लेकर आऊँगा और उसकी मर्ज़ी से जो है उसको शूज़ दिला दूँगा, ठीक है ना, ताकि जो है वो खुशी जो हो पूरी तरीके से हो, दिख रही हो चेहरे के ऊपर। तो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा दिल कर रहा है कि हम लोग चाय पियेंगे। आशा ने जो है मुझे चाय की लालच दी है, तो इसलिए अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा शूज़ खोल के इंशाल्लाह अपने। तो बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर में मैं आपको शूज़ दिखा दूँगा, ठीक है। और आप भी कोशिश करेंगे, अगर आप में से किसी ने भी जो है वो ट्राई मारना है तो 29 दिसंबर तक जो है वो स्पोर्ट्स कॉर्नर में जो है वो सेल लगी हुई है और बहुत अच्छी अच्छी प्राइसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त सेल है, 50% तक सेल है। तो जो मैंने शूज़ लिए हैं वो ऑलरेडी जो है वो 350 के थे, जो मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिले। तो अगर आप भी जो है जाके ट्राई करें तो आप लोगों को फॉर एग्जांपल 750 का शूज़ 550 में मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और उनके पास जो डिज़ाइन है शूज़ के अभी बिल्कुल लेटेस्ट, बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। तो अगर अगर आप में से कोई जो है इस तरह के खूबसूरत शूज़ पसंद करता है, जिस तरह ऑरेंज कलर, रेड कलर और मिक्स कलर्स हैं जो शाइनिंग कलर्स हैं, तो वो ज़रूर स्पॉट कॉर्नर का चक्कर लगाए, बहुत अच्छी प्राइस जा रही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि अगर आपका दाव लगे तो आप वहाँ से शूज़ लें और ट्राउज़र लें, टी शर्ट्स लें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बंदा ब्रांड के जब कपड़े पहनता है तो ब्रांड्स में कम्फर्टेबल ज़्यादा होता है बंदा, दूसरे भी कपड़े हैं जो हम लोग स्पोर्ट्स के कपड़े लेते हैं, लेकिन ब्रांड्स जो होता है उसके ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो कम्फर्टेबल होते हैं, तो नॉर्मल टाइम में तो वो बहुत महंगे होते हैं, तो बंदा नहीं रह सकता है, जो बंदा जो मिडिल क्लास है वो नहीं रह सकता। लेकिन जिस वक्त सेल लगी होती है 50% 70%, तो दैट टाइम यू शुड गेट दिस थिंग्स। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को उस वक्त ज़ोर ट्राई करनी चाहिए ये चीज़ें लेने की, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जब भी शूज़ पहने एडिडास या नाइक के पहने, और इनके शूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे कंफर्टेबल होते हैं वॉक करने के लिए और जॉगिंग वगैरह के लिए। तो मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका चांस लगता है तो 29 तारीख से पहले चलिए, 29 लास्ट डे है ऑफर्स की, ठीक है ना। उसके बाद फिर से प्राइजेस जो है वो दोबारा से सेम हो जाएंगी। तो अभी जो है वो अच्छी प्राइजेस चल रही हैं, तो आप कोशिश करें। ट्राउजर्स मैंने देखे हैं, टी शर्ट्स देखी हैं, बहुत अच्छी प्राइजेस हैं रियल में, 150, 140, 90, 95, यानी ये एडिडास, और मैं आपको नाइक की प्राइस बता रहा हूँ, नाइक ब्रांड की प्राइस बता रहा हूँ। पुम्बा वगैरह भी है वहाँ पे, लेकिन मैंने उनकी प्राइस देखे नहीं है उतना, और रोबैक्स समथिंग राइट, तो उनकी प्राइस मैंने देखी नहीं इतनी, उन पर मेरे से पड़ी भी नहीं, एक्चुअली मैं सर पर किया नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली जो है खुद ज़रा तक कपड़े एडिडास के पहनता हूँ, तो नाइकी के पहनता हूँ, तो फिर मैं नाइकी के उस पर ही मेरी नज़र एडिडास पे पड़ती है, दूसरों पे मैं देख। पुमा वगैरह जो है ये पहले मैं एक वक्त में पहना थे मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, फ्रेंडली टॉकिंग तो झूठ क्यों बोलूँ मैं, वो जब सेल लगती है तो मैं कभी तो गया नहीं, लेकिन बेसिकली जब आप नॉर्मल टाइम में जाएं तो उसकी प्राइसेस रियली हाई प्राइसेस पुमा की। तो चले मैं अभी थोड़ी देर में जो है वो वक्त शायद जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, और उसके बाद जब मेरी वापसी होती घर में तो फिर मैं आपको जो है वो शूज़ वगैरह दिखाऊंगा कि शूज़ जो है मैं वहाँ से कौन से वाले लेकर आया हूँ और कौन से कलर के लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो फिर मेरे से बने रहिए। ये देखें जी, ये हम लोग ले आए थे और आशा अपनी मम्मा को उठाने चले गई थी, तो मैंने कहा चलो तब तक जो है मैं इसको खोल लूँ और अपनी वाइफ को भी दिखा दूँ, अगर यार ये डिज़ाइन पसंद है तो इनमें से कोई दिला देंगे, या फिर जो है उसको जो पसंद है कोई डिफरेंट कलर, तो फिर वो ये मैंने अपने लिए लिए ब्लैक, ताकि जीन्स पे भी चल जाते हैं कहीं वॉक करने बंदा जा रहा हो तो मॉल्स वगैरह में, और ये दूसरे वाले जो है दूसरे कलर के आशा ने अपने लिए लिए थे, और आशा को बहुत पसंद था ये कलर, तो मैंने बोला बच्ची खुश होनी चाहिए, बाकी खैर है।
मेरी वाइफ और शौक उठ गए थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि चलो बाहर से खाना खाएंगे आज, जबकि घर में हम लोगों ने खाना पकाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज जो है हम लोग बाहर से खाना खाएंगे। तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे ताइफ़ एक रेस्टोरेंट है मशहूर, वहाँ पे गए थे। तो मैंने क्योंकि ताइफ से मेरे घर की ड्राइव जो है 45 किलोमीटर है, तो फिर हम लोग को वहाँ पर दूर जाना था, इसलिए मैंने पहले से ऑर्डर किया था। जब हम लोग गए तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हम लोगों को ये बिरयानी जो है वहाँ पर रेडी मिली। तो बच्चों को यहाँ का खाना बड़ा पसंद है, मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं जो है मुझे जो है हम लोग एक्चुअली जो है वो खाने के काफ़ी शौकीन हैं। तो अगर दूर से भी खाना मिल रहा हो, काफ़ी दूर भी हो, तो मैं चला जाता हूँ। अगर वो 70-80 किलोमीटर भी दूर हो, वो वहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ से भी जाके जो है खाने ले लेता हूँ। मेन चीज़ ये है कि अपना जितने पैसे का आपने डिश ऑर्डर की होती है, खाना अच्छा होना चाहिए, तो पैसे हलाल हो जाते हैं। अगर आपने खाना महंगा ऑर्डर किया हुआ है और आपको खाने का मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर बंदे को अफसोस होता है कि यार मेरे पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन डिश की प्राइस ज़्यादा भी हो और क्वान्टिटी कम भी हो तो भी मसला नहीं है, बस खाने का टेस्ट होना चाहिए अच्छा। और टेस्ट के लिए तो फिर मैं जो है ना बहुत दूर तक चले जाता हूँ, और ये आपने मेरे अक्सर वीडियो में देखा भी होगा। इसके बाद हम लोग कॉर्निश के ऊपर चले गए थे, वहाँ से जो हम लोग कतारा और एक लंबा चक्कर पल का लगा के वापस आएंगे, क्योंकि इतना प्यारा मौसम था और इतना रोमांटिक मौसम था, और हल्की हल्की जो है ना वो बिजली भी चमक रही थी, तो इतना मज़ा आ रहा था कि दिल कर रहा था कि वापस ना आए। ये आप देखे ना कितने बादल नीचे तक आए हुए हैं, तो इतना प्यारा मंजर था कि मैं क्या बताऊँ, वो दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस बंदा घर जाए। दिल कर रहा था बस जो है ना घूमते रहें, और या फिर निकल के जो है ना किसी गार्डन में वॉक करें। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया था, इसलिए हम लोगों ने कहा चलो दूर तक वॉक करेंगे। हम लोगों ने चाय के कप ले लिए थे मैंने और वाइफ ने, और फिर हम लोग काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। तो रात के तकरीबन हम लोग को आने में भी बहुत देर हो गई थी, मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे का टाइम था, तब तक मैं बाहर घूम रहा था। और मस्तर की बात ये थी कि मैंने अगले दिन जॉब पे भी जाना था, मेरी वाइफ ने मुझे कहा भी कि अगले दिन आपने जॉब पे भी जाना है, और लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं मुश्किल नहीं है, मैं जॉब पे जो है वो आधा घंटा भी अगर सो गया तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन ये मौसम मैंने कहा मैं मस्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अगर आपने अपने गाड़ी के जो हम लोगों ने एसी भी नहीं चलाया था, तो शीशे नीचे की वजह से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी मुँह पे, तो हमको बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने काफ़ी देर जो है ना वहाँ पे खड़ा होकर, ये मैं काफ़ी दूर था, ये मंज़र बहुत प्यारा दिख रहा था, मैंने काफ़ी जूम करके इसको लिया, तो ये इतना प्यारा लग रहा था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कि हम लोग मरी वगैरह में जाए ना तो बादल कैसे नीचे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही मंज़र था, ऐसा लग रहा था बादल बिल्कुल नीचे हैं, और इतना खूबसूरत मंज़र आप अगर टीवी पे इस वीडियो में देखेंगे तो आपको और देखने का मज़ा आएगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, और मेरे बच्चे चीख रहे थे, और मैंने जो है अपना रूफ खोला हुआ था अपना गाड़ी का, और आशा और सोद ने बहुत इन्जॉय किया, वो लोग बहुत खुश थे, उन्हें देख के मैं बहुत खुश था। फिर हम लोग वापस हुए, इसलिए आप भी कोशिश करें कि अगर आप लोगों का चक्कर लगे तो सलवा रोड पे एक ब्रांच है, इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है स्पोर्ट कॉर्नर की, और इसमें जो है अपने स्पोर्ट्स की बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह टी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, और शूज़ वगैरह हैं, इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है। और अगर आपको चक्कर लगे तो आप ज़रूर जाएँ, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत अच्छी प्राइजेस लगी वहाँ की, और ख़ास तौर पर शूज़ वगैरह की जो प्राइस बहुत अच्छी लगी, वो बहुत कंफर्टेबल, और न्यू ब्रांड्स काफ़ी आए हुए हैं वहाँ पे, जो आपको आई थिंक 150, 160, 140, 135 तक भी प्राइजेस जा रही थी नए ब्रांड्स। और मैंने वहाँ पे सेल्समैन से मैं बात कर रहा था, तो वो यही बोल रहा था कि ये ब्रांड इतने फेमस नहीं है, लेकिन ये एडिडास और नाइक के टक्कर के अंदर हैं, लेकिन ये सिर्फ फेमस नहीं है ब्रांड, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट शूज़ हैं, अगर आपको जॉगिंग वगैरह करनी हो या सिर्फ वॉक भी करनी हो, तो वो कह रहा था इसके लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल है। तो मैं अभी सोचा था कि अगली दवा का शायद मेरा चक्कर लगेगा एक दो दिन के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो उनमें भी दो शूज़ लूँ, और मेरे बेटे सऊद के लिए भी शूज़ लूँ मैं। तो मैं आशा से यही बात करता अपनी बेटी से कि अगर हम लोग एक दो दिन के बाद दोबारा आएंगे मम्मा के लिए उसकी और सऊद के लिए, तो फिर हम लोग वहाँ से जो है दूसरा ब्रांड्स भी ट्राई करेंगे, क्योंकि उनकी एक तो प्राइजेस अच्छी हैं, और मैंने वो एक ब्रांड पैंट भी देखे उधर, बहुत सॉफ्ट शूज़ हैं वो, यानी वॉक करने में आपको मज़ा आ रहा था आपको, यानी तो इसलिए मेरे ख्याल से जो है मैं वो भी उनमें से भी जो है कोशिश करूँ ख़रीदने के लिए। तो अगर आपको चक्कर लगे तो आप भी हो जाइएगा, और बाकी अपने भाई भाई को याद रखेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कोशिश करेंगे अगर आप हो सके आप लोगों से, क्योंकि हम आपके लिए इतनी कोशिश करते हैं। और आजकल तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोज डालूँ, ताकि आप लोगों के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके तो आप जो है अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, एक लाइक और एक अच्छा कमेंट्स करें, जिससे हम लोगों को हिम्मत मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना, इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है ना, वो पंजाबी मिसाल है ना कि जी के साथ जी लगती है। चलें, खैर के अपना, अल्लाह हाफिज़।